This video is brought to you by Pakistan's first cashback app, Savior. Savior offers cashback on purchase of products ranging from food, grocery, electronics, health, fashion, and much more. यानी Savior के जरिए आप ना सिर्फ ऑनलाइन पार्टनर ब्रांड्स पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, but you will also get cashback on everything you buy from Savior. Shopping भी हो जाएगी और cashback भी आ जाएगा. And by the way, this cashback is real money that you receive in your Savior wallet. और फिर यही पैसे आप अपने Savior wallet से अपने बैंक में बाहर आसानी ट्रांसफर करा सकते हैं. इसी तरह you can also get cashback by bringing a friend to Savior through your unique referral link. So So find my referral link in the description and sign up on Savior now so you don't miss out on this amazing cashback opportunity. वालेकुम दोस्तों पहले मेरा प्लान यही था कि नई वीडियो आराम से ईद के बाद बनाऊंगा लेकिन क्या करता आप लोग की पुरजोर फरमाइश के तहत मुझे मजबूरन दिन रात लगा कर ये वीडियो बनानी ही पड़ी तो बगैर किसी तमहीद को लंबा किए फाइनली बकरा ईद के टॉपिक पर ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है अबू 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 हाँ, हाँ बोल सुन रहा हूँ अबू बकरा कब लेंगे अबे ले लेंगे यार ले लेंगे ऐसी क्या जल्दी पड़ गई अबू गली में सारे दोस्तों ने बकरे ले लिए हैं सब मुझे चप्पे घर आते हैं अच्छा और वो तुफेल ने भी ले लिए जानवर कब के बल्कि तुफेल अंकल तो कह रहे थे कि लगता है इस बार दिलबर भर मिया ने मस्जिद में हिस्सा डाला है अच्छा उसकी इतनी हिम्मत ये बात हे हे। तू फिक्र न कर बस कल ही लाता हूँ मैं जानवर ऐसा जानवर लाऊंगा ना इस तुफेल की तो हालत बराबर हो जाएगी अरे तुम्हें कुर्बानी कर नहीं, दिखावा करना है क्या से खा रहा है बच्चे को अरे बड़ी भी ऐसी कोई बात नहीं है तुम गलत समझ रही हो हाँ, हाँ, तो और कैसी बात है दो हफ्ते पहले जानवर लाने का क्या तुक बनता है हाँ तो यही तो कुर्बानी की असल रूह है पहले मवेशी लाएंगे फिर उससे मोहब्बत करेंगे मोहब्बत के बाद कुर्बानी की बात ही कुछ और है ठीक है अरे तू चुप कर मवेशी की बात हो रही तेरी माशूका की बात नहीं हो रही हा भैया ये वाले कितने दाद का Ее чачуу чаар дат нэ अभी रहने दे इसे उधर ही रहने दे कोई जवान बकरा दिखा है दो दांत का अबा ठीक तो है बकरा लेना है रिश्ता नहीं लेना इस जवानों अबे बाप को ना सिखा तू चुप कर चाचू ये वाले देखो सही तंदुरुस्त चीज है चाचू इसे हमने खुद पाला अपने हाथों से बादाम खिला के देखो कितना तंदुरुस्त है <laughs> अबे तंदुरुस्त नहीं है इसका पेट फूला हुआ है बेटा बहुत तेज है तू पानी पिला के रखा है तूने इसे सब समझता हूँ नहीं नहीं हाजी साहब वो सफेद वाले कितने का है अबे नहीं नहीं ये सफेद है वो पीछे वाला हाजी साहब ये साठ का साठ? अबे क्या बेंगा तो नहीं है इतना सस्ता <laughs> नहीं हाजी साहब सात नहीं साठ साठ हजार साठ हजार का बकरा अबे पागल वागल तो नहीं हो गया अभी दिखा भाई कोई सस्ती चीज दिखा अच्छा हाजी साहब ये ये वाली ये, ये देखो फिर ये भी बहुत प्यारा जानवर है बकरा दिखाई बिल्लियां बिल्लियाँ ना दिखा अच्छा वो वाला कितने का साहब वो पचास का आपके लिए पैंतालीस अरे मक्खन मक्खन मुझे ना लगा मेरे लिए पैंतालीस मई तेरी हाला लगाऊँ इधर पैंतालीस पैंतालीस कोई नहीं पैंतीस का देना है तो बता साहब आप इस पर बकरा भूल जाओ मुर्गी की कुर्बानी कर लो अगले साल बकरा कर लेना अबे क्या मतलब है तेरा मुझ पे भंड मार रहे साहब भंड तो आप मारे हो पैंतालीस नीचे मारा नहीं खाता महंगाई बहुत है आया आय रोना बन कर चालीस पे डन कर चवालीस फाइनल चालीस चौवालीस इकयालीस चौवालीस साहब चौवालीस बयालीस फाइनल कर चौवालीस बोले ना चवालीस बयालीस बस बयालीस आखरी तिरालीस ये बकरा तिरालीस मैं यार वैसे इस बार सही तकड़ा जानवर मिली है जी अब्बा बस थोड़ा जंगली है अबे ये तो अच्छी बात है बकरा जितना खारशी हो ना उतना अच्छा होता है भाई हाजी साहब ले ही लिया आपने भी बकरा हाँ भाई अलहमदुल्ला कोई शक <laughs> नहीं नहीं तो ये कितने के लिए आपने ये अल्लाह के गरम से पैंतीस का लिए पैंतीस अभी चुप कर चुप कर वैसे बुरा नहीं मनाना है हाजी साहब लेकिन महंगा ले ली अब तूफेल जानवर भी तो देख तुझसे तो वह अपने कौन से, से बास्केट बास्केटबॉल खिलानी है अब चलना इतना जला नहीं कर दिल जले वैसे हाजी साहब हम तो इस बार बकरा नहीं कर रहे ओहो चलो कोई नहीं कोई नहीं अल्लाह अगली बार तोफीक दे अरे नहीं नहीं तोफीक तो इस बार भी मिली है अच्छा तो फिर तो फिर कुर्बानी तो हम कर रहे हैं बस बकरा नहीं कर रहे वैसे अब तू रहा है इस बार हम अल्हम्दुलिल्लाह, बैल की कुर्बानी कर रहे हैं अच्छा अच्छा हिस्सा डाला अरे नहीं नहीं हाजी साहब अंडर एस्टिमेट कर गए हैं आप। अबे क्या स्मगलिंग तो नहीं शुरू कर दी अबू अबू जल्दी आए भाई से बैल छूट कर भाग गई। क्या अरे इसे मना भी किया था के ले मत खोलना चलो चलो जल्दी चलो अबे कहा जा रही है थोड़ा बहुत हो जा <laughs> अब ये बकरा है या आदमी है ये कैसी आवाज है इसकी अरे बेटा ये खास पहाड़ी बकरा है अबू वो तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा बूढ़ा नहीं ले लिया हमने अरे नहीं नहीं ठीक है ज्यादा छोटा भी अच्छा नहीं होता अबू इस बार ईद की शॉपिंग नहीं करेंगे बेटा बड़ी ईद है इस पर बकरा ही होता है सारी शॉपिंग और तुमने कौन सी शॉपिंग करनी है अभी तो छोटी ईद पर बनवाए थे तुमने कपड़े अभी रहने दो बजट जरा टाइट है बेटा अरे नहीं नहीं अब ज्यादा खर्चा नहीं होगा सेवियर ऐप है ना उसपे ईद बाजार ऑफर लगी हुई है अच्छे खासे डिस्काउंट्स और कैशबैक मिल रहा है सेवियर के थ्रू ही अपने कपड़े और फैशन का सामान ले लूंगी बाकी घर का सौदा भी सेवियर से ले लेंगे बचत भी हो जाएगी और कैश भी मिल जाएगा हाँ तो वो कैश के पैसे भी तुमने अपनी जेब में ही रखने हैं मुझे क्या फायदा होगा अब इसका फायदा आपको ये होगा की आपको मुझे खर्ची नहीं देनी पड़ेगी कैश बैक ऐसी ही निकल आएंगे मेरे पैसे ये बकरे की आवाज़ क्यूँ नहीं आ रही अबू बकरा चोरी हो गया क्या मजाक कर रहा <laughs> हूँ हमारा बकरा ना सा बड़ा है दोनों बराबर है इतना कोई खास फर्क नहीं है हमारा ज्यादा प्यारा है लेकिन इस तरह तो हमारे बकरे के सींग भी हैं तुम्हारे बकरे के हैं क्या हमारा बकरा तुम्हारे बकरे से ज्यादा महंगा है लेकिन हमारा बकरा बात भी करता है ये देखो ओए बकरे अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है मैं तुम दोनों में से ज्यादा बेहतर बकरा कौन सा है आपस की बात है ये वाला ज्यादा टाइट है अंदर आके खाना अबे क्या हाल कर रखे है इस बकरे का अबू तैयार कर रखा है अच्छा लग रहा है ना? अबे कम कम्बखत ये घर का कालीन था और ये बर्तन घर के इस्तेमाल करा चलिए और ये बकरा किसका तूने मेरे घर में बांध दिए सारे पौधे खा गए कम बखत अबू ये खालदा आंटी गए अच्छा चलो कोई बात नहीं <laughs> कुछ दिन का तो मेहमान है अंकल मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से अरे नहीं नहीं बेटा रहने दो तो, रहने दो तो। हालदा का बकरा हमारा बकरा एक ही तो बात है बल्कि एक काम करो इफी ये से बोगन मिलिया खिलाओ ये बड़े शौक से लगाई है मैंने बेटा ये इस बकरे को अच्छी लगेगी और इफी बेटा ये दबीर किधर है अब भाई तो कासिम के साथ लाइगर मेमन के जानवर देखने गए वहाँ सुना है कोई ऑस्ट्रेलियन बुल की नुमाइश लगी है ये आजकल के अमीर भी ना कुर्बानी कम दौलत के चप्पे ज्यादा कराते है लोगो को वैसे इस बात पे तो कोई शक नहीं कि कुर्बानी के जानवर का सबसे ज्यादा शौक और इससे लगाव का और खरोश बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है सुबह से लेकर रात तक जानवर के साथ रहना इसे गली में घुमाना और रात में बार बार उठकर देखना कि जानवर सही सलामत है या नहीं मैं, मैं, मैं। क्या हो गया क्या शोर मच अबे ये क्या कर दिया भाई बकरा रस्सी में फंस गया जल्दी आओ आरो और सुना समन तुमने कल के लिए ईद की तैयारी कर ली यार ऐसे सच कौन सी तैयारी बस ठीक है आई थिंक गुड तो तुम इस बार ईद के लिए क्या कर रही करियो इन कौन सा जानवर यार हम इस बार गोट को घर पे कट नहीं कर रहे ईद के लिए हमने इस बार बर्गर कुर्बानी पे ऑर्डर कर दी है वही से गोट कट होकर आ जाएगा हमारे घर यार ये कैसी कुर्बानी है असल मजा ही प्रॉपर कुर्बानी का कर... यार यूर राइट बट इट्स जस्ट दैट यू नो मामा एंड आई डोंट फील सो गुड अराउंड मीट एंड इट्स जस्ट लाइक यू और वैसे भी पापा भी थोड़े बिजी होते हैं वेट अ मिनट यार तुम कैसी दोस्त हो मेरी तुम्हें तो पता होना चाहिए ना मेरा यार मैं नहीं हूँ तुम्हारी दोस्त ठीक है बाय मैं नहीं हूँ तुम्हारी दोस्त बाय <laughs> ये क्या था? तुम मेरी बातें सुन रहे थे बदतमीज नहीं ओए <laughs> मैं बातें नहीं सुन रहा था तुम्हारी अभी अभी आया था <laughs> अच्छा बात सुनो क्या है यार वो कुछ पैसे उधार चाहिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है झूठ ना बोलो सेवियर का ईद बाजार सब पता है मुझे ये जो तुमने कपड़ों और सौदे की खरीदारी पे कैशबैक बैक कमाया है ना सब जानता हूँ मैं तो झूठ ना बोलो मुझसे यार भाई वो कैशबैक के पैसे तो बैंक में है ना अभी कैश नहीं है मेरे पास हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ तुम्हारे पास कैश है मुझे अपना ए दे दो सिर्फ हजार रूपए निकालूंगा प्रोमिस क्या है भिकारी ये लो अब कसाई कब आएगा आधा दिन गुजर गया ईद का हाँ बस आ रहा है अभी करिए कल कह रहा था आ वही पुराना वाला बुलाए अबे वो कहा वो तो आजकल डॉक्टर बना फिर रहा है भरा पेट साला एक नया कसाई बुलाया इस बार देख लो अब्बा कोई बरसाती कसाई ना हो अबे नहीं नहीं अल्लाह खैर करेगा फिक्र ना कर देख आ गया शायद भाई क्या है? तमीज। जी जी, बोले ईद मुबारक मुबारक जी फरमाए। वो गोश्त दे, दे अबे अभी तक नहीं हुई कुर्बानी कसाई नहीं आया बाद में आई हो गोश्त मांगने वाला भाई कुर्बानी की खाल दे दे अबे कसाई तो आ जाए पहले चलो मैं बाद में आऊँगा फिर हाँ भैया आ गया नहीं अबा खाल मांगने आया था तालीमे ओ भाई नहीं है कसाई माफ कर दो नहीं है कोई गोश्त खाल भाई मैं कसाई हूँ अबे तू जी भाई मैं क्यों क्या हुआ तुझे मैंने कहीं देखा है शायद पिछली हित पे देखा होगा भाई अबे तू याद आ गया तू तो वही है जो उस दिन एग्जाम हाल में सबको पानी पिला रहा था फिर आदमी तू कसाई कब से बन गया <laughs> बस सुबह सुबह ज्यादा प्रीच नहीं करूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ईद का मकसद महज गोश की जखीराजी नहीं है बल्कि ईद और कुर्बानी की रूह तो इससे कहीं बढ़कर है वो एग्जैक्टली exactly क्या है ये काम मैं आपकी गौर गौरव फिक्र पे छोड़ता हूँ जाते जाते एक बार फिर मैं यही कहूंगा की अगर आपको ये शो पसंद है और आप इसे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो कंसिडर बिकमिंग पेट्रन विद एज एज लो डॉलर इट रियली मी रन दिस शो पेट्रियन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड जस्ट अ रिमाइंडर सेवियर की ईद बाजार ऑफर जरूर एक्सप्लोर करें डिस्काउंट और कैश वाकई बहुत कमाल हाल है सेवियोर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए शेरम को इजाजत दें मिलता हूं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज